वो कभी नहीं होता है गुलदस्ता गुलदस्ता अलग करते हुए ऑनलाइन 35 बता रहे हैं। अब मैं आयुर्वेद टीम के कमांडर टीम सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई की तरफ बढ़ती हुई सलामी करती बनती बन की टीम एक 111 बटालियन न्यू जर्सी में सलामी मंच पर सलामी देती हुई 21 बटालियन की टीम सलामी मंच से निकलती हुई मुख्य लाभ को सलामी देते हुए बहुत ही जोश और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा साउथ और नॉर्थ उसे मिलाकर सेहत का रखना है।
जानते हैं परिचान के तो हिंदी शूटिंग प्रतियोगिता 2024 श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ के पूरी इंटर बटालियन जीसी ग्रुप प्रिंसिपल का शूटिंग कॉम्पिटिशन था, जिसमें 22 बटालियन की टीमों ने और एक ग्रुप सेंटर की टीम, टोटल 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसे जो वेरियस इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उसमें एक तो ये शूटिंग कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे आदमी की प्रोफेशनल स्किल्स का भी परिचय मिलता है, और वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से जवानों का मनोबल भारी रहता है और वो अपना मोनोटोनस ड्यूटी से भी बाहर आते हैं, इसलिए ये बल स्तर पे इस तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाते रहते हैं। तो कितने सेंटर्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे? इवेंट में 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 22 बटालियन और एक ग्रुप सेंटर की टीमों ने, टोटल 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो आगे किस तरह से सीआरपीएफ जवानों के लिए खेल का आयोजन करती है, क्या प्लान रहता है? हमारा एनुअल एक्टिविटीज चलता रहता है, वेरियस तरह के खेल चलते रहते हैं, फुटबॉल कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन, बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उसी में शूटिंग भी था, ऐसे तमाम इवेंट चलते रहते हैं। हर एक बटालियन कोई ना कोई इवेंट कराती है, हमारी बटालियन ने शूटिंग कॉम्पिटिशन करवाया। थैंक यू।